हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्लर जैसा हेयर स्पा घर पे कैसे कर सकते हैं, वो भी 10 रुपए में। पार्लर जैसा हेयर स्पा हम सभी चाहते हैं कि हम पार्लर में हेयर स्पा करवाएं, पर पार्लर में हेयर स्पा इतना महंगा होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे ही आप घर की चीज़ों से ही अपने बालों को बालों में हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं, जो कि आपको पार्लर जैसा ही इफेक्ट देगा। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम घर पे हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डू हेयर स्पा एट होम, पार्लर जैसा हेयर स्पा हम घर पे कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें लेना है कोई भी कंडीशनर, आप चाहें तो डव, क्लिनिक प्लस या जो भी आपके घर में कंडीशनर हो वो आप ले सकते हैं। आप चाहें तो पैकेट वाला भी ले सकते हैं, वो 4-5 रुपए का आ जाता है। यहाँ पे मैं 2 पैकेट लूँगी क्योंकि मेरे बाल कमर तक हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 पाउच ही ले सकते हैं। तो आप अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कंडीशनर की क्वांटिटी ले सकते हैं। सेकंड है अंडा, एग। एग में भी प्रोटीन होता है जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है प्रोटीन, और हम एग डालेंगे इसमें एक। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं तो आप एक डालें, अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप आधा अंडा ही डालें, पूरा अंडा मत डालें। और अगर आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं है तो आप अंडे की जगह दही भी डाल सकते हैं। हम अंडे को तोड़ लेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो फ्रेंड मैंने अंडे को अच्छे से फेंट लिया है। अब एक हम साफ बाउल ले लेंगे और इसमें कंडीशनर हम डाल देंगे। तो फ्रेंड मैंने इसमें 2 पैकेट कंडीशनर डाल दिया है। और फ्रेंड हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप 2 चम्मच डालें। अगर आपके बाल ऑयली हैं, आपके बालों में नेचुरल ऑयल आ जाता है अपने आप, तो आप 1 ही चम्मच डालें। हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ और टेक्सचर के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आप ऑयल कम डालें। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, रूखे सूखे रफ हैं, तो आप ऑयल्स ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ही विटामिन ई ऑयल, क्योंकि कंडीशनर में भी कुछ ऑयल्स होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑयल्स कम डालूँगी। और हम 1 टीस्पून ही डालेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है ऑलिव ऑयल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आपके घर में जो भी ऑयल हो, चाहे बादाम का तेल हो, चाहे आपके घर में आंवले का तेल हो और ऑलिव ऑयल हो या कोई भी और ऑयल हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। अगर आपके 2 मुहे बाल हैं तो 2 मुहे बालों को भी ये रोकता है। तो फ्रेंड मैंने इसमें सारे ऑयल्स डाल दिए हैं। आपके घर में जो भी ऑयल्स हो वो आप डाल दें, जो नहीं है आप स्किप कर दें। और फ्रेंड जो हमने अंडा फेंट के रखा था हम वो डाल देंगे इसमें। मैं सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। मैं इसमें लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें डालूंगी अंडा। तो फ्रेंड हमारा बढ़िया सा एक स्पा क्रीम तैयार, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। तो अब इसको लगाने से पहले आप अपने हेयर को शैम्पू से वॉश कर दें, क्योंकि आपके बालों में किसी तरीके की गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपकी स्कैल्प प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, बाल आपके अच्छे से साफ होने चाहिए। ये हेयर स्पा क्रीम लगाने से पहले बालों को अच्छे से शैम्पू कर दें, कंडीशनर नहीं करना है, और उसके बाद बालों का एक्सेस पानी निकाल दें। मतलब आपके बाल गीले होने चाहिए पर आपके बालों में एक्सेस पानी नहीं होना चाहिए, उसमें हल्का मॉइस्चर होना चाहिए। फिर बालों को कॉम कर लीजिए ताकि बालों में किसी तरीके के नॉट्स ना हो, और फिर बालों का छोटा छोटा सेक्शन लेके ये मसाज करनी है आपको बालों पे, अगर आपको पार्लर जैसा इफेक्ट चाहिए तो। तो छोटा छोटा सेक्शन करेंगे बालों का और उसे अच्छे से मसाज करते हुए पूरे बालों में लगाएंगे। मेक श्योर कि ये हेयर स्पा क्रीम आपके पूरे बालों में अच्छे से लग जाए। मसाज बहुत ज़रूरी है, इससे बालों के पोर्स में अच्छे से ये मसाज क्रीम जाती है, हेयर स्पा क्रीम जाती है। एक साइड मैंने लगा लिया है, अब मैं कॉम कर रही हूँ जिससे कि ये जो स्पा क्रीम है मेरे बालों में इवनली लग जाए, और जो थोड़ी बहुत है मैं पूरे बालों में अच्छे से लगा रही हूँ ताकि मेरे बालों में ये हेयर स्पा क्रीम अच्छे से कवर हो जाए। स्प्लिट एंड्स पे भी आप ये लगा सकते हैं।
फिर बालों के दूसरे पार्ट जो हमने किया है वहाँ पे सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और अच्छे से मसाज करते हुए इसे लगाना है। अच्छे से हेयर स्पा क्रीम लगाने के बाद आप किसी चौड़ी कंघी से अच्छे से कॉम कर लें, जिससे कि ये हेयर स्पा क्रीम आपके बालों में अच्छे से लग जाए और थोड़ी सी जो बच जाती है उसको बालों में अच्छे से लगाएं, जिससे कि आपके बाल इस हेयर स्पा क्रीम से अच्छे से कवर हो जाएं। और कम से कम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं। फिर कोई टाइट जूड़ा बना लीजिए और उसके बाद कोई भी प्लास्टिक बैग से अपने बालों को कवर कर लीजिए। 1 घंटा रखने के बाद आप बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर दें और नेक्स्ट डे किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर दें। उसके बाद आप कोई भी ऑयल लगा लें, यहाँ पे मैं आर्गन ऑयल लगा रही हूँ, ये ऑयल और सीरम दोनों ही है और बालों में ये इवनली स्प्रेड हो जाता है और बहुत ही लाइट वेट है। सो फ्रेंड, आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि पार्लर जैसा हेयर स्पा घर पे कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड, ये मैंने हेयर स्पा किया हुआ है और मेरे बाल ना इतने ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की हो गए, मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी ज़रूर ट्राई करना। आपके पास कोई भी कंडीशनर हो, जो भी आपके घर में हो, ज़रूरी नहीं कि मार्केट से लेके ही आना है, आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो 4-5 रुपए का डव का पैकेट आता है, पाउच आता है, वो आपके बालों के लिए सफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें जितने ऑयल डाले हैं वो आप डालें, आपके घर में और भी ऑयल्स होंगे, आप वो डाल सकते हैं, जो नहीं है नहीं डाल सकते। मैंने यहाँ पे 2-3 तरीके के ऑयल्स लिए हैं। आपके घर में अगर एक ऑयल है आप एक ऑयल डालें, 2 तरीके के 3 तरीके के 4 तरीके के ऑयल हैं, जितने भी हैं आप अपने बालों के अकॉर्डिंग, लेंथ और टेक्स्चर के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस हेयर स्पा को करने से पहले आप अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से, बेबी शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए, फिर टॉवल ड्राई होने दीजिए। मतलब आपके बाल गीले तो हों पर उसमें पानी ना टपके, एक्सेस वाटर आप सारा, चाहे तो आप धूप में बैठ जाएं या तौलिए से, आप अच्छे से पानी उसको एब्जॉर्ब होने दें, सूखने दीजिए। उसके बाद आप इसको बालों की पतली पतली लटे जो है सेक्शन करना है आपको, और उसमें आपको अच्छे से मसाज करनी है। आपने देखा होगा हेयर स्पा जब करवाते हैं तो वो बालों के छोटे छोटे सेक्शन में ही अच्छे से मसाज करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप ज़्यादा बालों का सेक्शन भी ले सकते हैं, या आप किसी और को बोल दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, खुद से बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है। जब अपने बालों को आप मसाज करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हाथों में भी दर्द हो जाता है। और फ्रेंड, आप इस हेयर स्पा को महीने में एक बार या 10 से 15 दिन में एक बार भी कर सकते हैं, इस डिपेंड्स कि आपके बाल कितने ज्यादा रफ हो गए हैं। वैसे तो महीने में एक बार भी करेंगे ना तब भी चल जाएगा। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आप वहाँ पे मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं और अगर आपके जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो जरूर फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे पेज को भी लाइक जरूर कीजिएगा। सो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नए DIY या नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।